कैसे हम हमारे 15 से 20 हज़ार रुपये सेव कर सकते हैं जब भी हम हमारी ट्यूशन फीस पेमेंट करते हैं हमारे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के अंदर, और सबसे अच्छा तरीका क्या है अपनी फीस ट्रांसफर करने के लिए, तो आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज परमजीत शर्मा। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमें कैसे हमारी ट्यूशन फीस पेमेंट करनी है हमारे कॉलेज में और हमारी यूनिवर्सिटी में, और किस तरीके से हम अपने 15 हज़ार से 20 हज़ार रुपये सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आज एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लेते हैं कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट की स्लैब्स क्या है और वो कैसे टैक्स चार्ज करती है फॉरेन ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो चलिए, जैसे आप गूगल क्रोम पे आते हैं तो आपको यहाँ टाइप करना है फॉरेन मनी ट्रांसफर रूल इन इंडिया 2021। तो यहाँ जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो आपको दिखेगा TCS ऑफ 5% इज डिडक्टेड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ अबव 7 लाख, यानी 7 लाख से ऊपर जितने भी अमाउंट होगी उस पर आपको 5% टैक्स देना होता है। इस वेबसाइट को ओपन करके देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रखा है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट 5% का टैक्स चार्ज करती है 7 लाख से ऊपर जितने भी अमाउंट हम ट्रांसफर करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के ऊपर। हम इसे एक बार रीड आउट कर लेते हैं। TCS ऑफ 5% इज डिडक्टेड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ अबव 7 लाख। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रेमिट ₹15 लाख, यानी आप अगर 15 लाख की ट्रांजेक्शन करते हो एक फाइनेंशियल ईयर के ऊपर, तो उसमें से 7 लाख रुपए आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। जो बचे हुए 8 लाख रुपए होंगे उस पर आपको 5% का टैक्स देना होगा। इसी तरीके से आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें हमारे ट्यूशन फीस पर टैक्स कैसे सेव करना है। तो उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। सो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड में क्रिएट किया है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सबसे पहले हमने एज्यूम किया है कि आपकी जो ट्यूशन फीस है वो 16,500 कैनेडियन डॉलर है और एक्सचेंज रेट हमने एज्यूम किया है कि वो 60 है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो आपकी टोटल पेएबल अमाउंट जो आएगी वो 9,90,000 आएगी। टोटल पेएबल अमाउंट आ गई, उसमें आपको टैक्स एग्जेम्प्ट कितना मिलता है, यानी कि आपको 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपसे कोई चार्ज नहीं कर सकता टैक्स। लेकिन जो अबव अमाउंट है, जैसे 9,90,000 में से अगर हम 7 लाख को डिडक्ट कर लेते हैं तो आपकी अमाउंट जो बचती है रिमेनिंग अमाउंट वो है 2,90,000, जिसके ऊपर आपको 5% का टैक्स देना होगा। लेकिन आप इसको कैसे सेव कर सकते हैं वो आइए हम देखते हैं। अगर आप सिंगल अकाउंट से पेमेंट करते हो तो आपको 5% का टैक्स देना होगा। 14,500 कैलकुलेट करने के बाद आपका टैक्स बनता है। लेकिन आप इसे कैसे सेव करेंगे, आप इस अमाउंट को टू अकाउंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, आपके फादर का अकाउंट, आपकी मदर का अकाउंट। आप दोनों अकाउंट्स का यूज करके आप अपने अमाउंट को स्प्लिट कर सकते हैं। आप स्प्लिट करेंगे तो आपकी अमाउंट पेएबल आएगी पर हेड 4,95,000, यानी आप फादर के अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो 4,95,000 एंड मदर के अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो 4,95,000। तो इसमें आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही अमाउंट, यानी जो ये जो अमाउंट है वो 7 लाख से कम है। तो आपके यहाँ पर 14,500 रुपीज सेव हो रहे हैं डायरेक्टली। एक और हम एग्जाम्पल ऐसे ही देखते हैं, अगर आपकी फीस जो है वो 18,000 कैनेडियन डॉलर है तो आप कैसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक्सचेंज रेट हमने सेम रखा है 60। इसके साथ अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी टोटल पेएबल अमाउंट आती है 10,80,000। तो इसके बाद हम टैक्सेबल एग्जम्प्ट अमाउंट जो होती है हमारी 7 लाख होती है। तो इसमें से अगर हम 7 लाख माइनस करते हैं तो हमारा जो अमाउंट बचता है वो 3,80,000 बचता है। अगर हम सिंगल अकाउंट से पेमेंट करेंगे तो हमें इस पर टैक्स देना होगा, जो कि हमारा टैक्स काउंट होता है 19,000, यानी 19,000 रुपये हमें पेमेंट करना होगा एज अ टैक्स। लेकिन अगर हम इसे सेम ऐसे स्प्लिट करके पेमेंट करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे पर हेड 5,40,000 कैलकुलेट होता है, जो कि 7 लाख से कम होता है। तो हम यहाँ पर हमारे 19,000 सेव कर रहे हैं। साथ ही साथ जब आप अपने GIC अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो वो आपका पर्सनल अकाउंट होगा, स्टूडेंट का पर्सनल अकाउंट होता है जिससे जिसे आप GIC ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसमें भी आपको 10,200 कैनेडियन डॉलर ट्रांसफर करने पड़ते हैं स्कोशिया बैंक में। अगर आप CIBC में चेकआउट करना चाहते हो या फिर ICICI बैंक में देखना चाहते हो अपना अकाउंट, सो मैंने एक वीडियो बनाई है GIC के ऊपर, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके। मैं ऊपर आपको लिंक भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। आप GIC से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया है एक्सचेंज रेट 60 सेम, और टोटल अमाउंट जो पेएबल अमाउंट होती है GIC के वो 6,12,000 के अराउंड होती है। डेली जो है वो फोरेक्स रेट जो होते हैं वो अप डाउन होते रहते हैं, तो हमने एज्यूम किया है 60, तो उस हिसाब से हमारा जो अमाउंट बनता है वो 6,12,000 कैलकुलेट किया जाता है। वो भी 7 लाख से कम है तो उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो इस तरीके से आप अपना जो है टैक्स सेव कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने कुछ पैसे सेव कर सकते हैं। आप अपने मदर के अकाउंट से, फादर के अकाउंट से अगर पेमेंट करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का
कोई भी टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। और आप अपना एलओए चेक कर सकते हैं, उसमें आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी मेंशन करते हैं आपको किस तरीके से पेमेंट करनी है। दो तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो, या तो आप फ्लाईवायर के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप जो पेमेंट कर सकते हो वो कर सकते हो अपने डायरेक्टली बैंक अकाउंट से बैंक ट्रांसफर, यानी आप अपने कॉलेज में जो आपका अकाउंट नंबर होगा वो आपको दे दिया जाएगा आपके कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप उसमें भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो देखा आपने कैसे हमने कैलकुलेट किया और किस तरीके से हम अपने 15 से 20 हज़ार रुपये सेव कर सकते हैं हमारे ट्यूशन फीस में। साथ ही साथ आप जीआईसी की वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, मैंने आई लिंक में उसका लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। आप जीआईसी में अगर कंफ्यूज हैं तो आप कमेंट में भी मुझे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। सो ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिस भी स्टूडेंट को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है या वो फीस पेमेंट करने वाला है तो आप उसके पास ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उसके पैसे कुछ बच जाएं। थैंक यू सो मच।